ग्राम प्रधान गांव से माननी आदमी हमारे सीतापा हमारे समाज के लोग अपने अपने लड़कन के पढ़ाओ लिखाओ का भी काम करे के होई तब तई समाज बढ़ी। महेश जी, क्या जरूरत आन पड़ी इस महापंचायत की? दोस्त मित्रों, आज सबसे बड़ी जरूरत ये गरीब दलित पिछड़ा समाज है और हम लोगों की आवाज़ को हमेशा दबाया जाता है। हम लोग पिछड़ों में हम लोग भी आते हैं। इस बार 2022 में हम लोग को हिस्सेदारी नहीं मिली तो इनको सही जवाब हर राजनीतिक दल पार्टी को दे दिया जाएगा और हम चाहेंगे कि 2022 में अति पिछड़े लोगों को भी सम्मान का दर्जा दिया जाए जो आज तक नहीं दिया गया। अच्छा चलिए, इस महापंचायत से क्या मांग करते हैं? इस महापंचायत के माध्यम से मांग करते हैं और अपनी हमारे और अपनी कम समय में जो इतना लोगों ने व्यवस्था किया है ये दर्शाता है कहीं ना कहीं ये समाज भी दबा कुचला है और अब नहीं ये बर्दाश्त करेगा। अब आने वाले समय में सही जवाब दिया जाएगा 2022 के चुनाव। अध्यक्ष जी, क्या कार्यक्रम है, क्या सोच के महापंचायत रखी गई है? राजभर बिहार समाज की एक हमारा महाराजा सुहेल देव के हम लोग वंशज हैं और इस राजनैतिक सामाजिक लड़ाई में हम लोग थोड़ा पिछड़े हैं। हिस्सेदारी के सवाल पे राजभर बिहार महापंचायत बुलाई गई है और राजभर बिहार महासंघ की स्थापना 2004 से लेकर के 14 तक चला। बीच में राजभर बिहार महासभा के इस संगठन की थोड़ी सी कमी आ गई थी लेकिन माननीय सत्यनारायण राजभर के निर्देशन पे और बिहार समाज और राजभर समाज के विशेष रूप से अनुग्रह पर इस पंचायत का, इस महासभा का जो संघ बनाई गई है राजभर बिहार महासंघ को काफ़ी दूर तक हम हिस्सेदारी के सवाल पे, राजनैतिक हिस्सेदारी, सामाजिक हिस्सेदारी के सवाल पर यह पंचायत यहाँ ही नहीं और जगह भी बढ़ा करके अपने समाज को शिक्षा, राजनीति और सामाजिक हर जगह बढ़ाने के लिए हम लोग इस तरीके से कार्यक्रम को करते रहेंगे, यही मेरा कहना है। देख जी, चुनाव सर पर है, अचानक ये महापंचायत की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, आज जो समाज के सामने समस्याएं मौजूद हैं, अब ये जरूरी हो गया है कि समाज को इकट्ठा करके और उनकी ज़रूरत के जो भी क्षेत्र हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र हों, राजनीतिक क्षेत्र हों, समाज के क्षेत्र हों, तमाम संवैधानिक संस्थाओं में, नौकरियों में हमारा समाज पिछड़ रहा है। अब तक कई एक नेता हुए जो इनको आरक्षण दिलाने के सवाल पे, इनको मान सम्मान दिलाने के सवाल पे और खोया पुराना इतिहास वापस लाने के सवाल पे इकट्ठा किए, लेकिन वो सब के सब फरेब और धोखा साबित हुआ है। पुनः हम लोग चाहते हैं कि ये समाज जागरूक हो और अपने हक अधिकार की बात करे, अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी तय करे खुद। आप सपा के जिलाध्यक्ष चंदौली के, फिर इस महापंचायत में शिरकत तो क्या माना जाए कि सपा को एकदम पूरे प्रदेश की जनता, हमारा ही समाज नहीं पूरा उत्तर प्रदेश और देश भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार से त्रस्त है। महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है कि हम कह नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हैं, समाज का हर तबका महसूस कर रहा है और हम समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, अपने सामाजिक, अपने जो राजनीतिक दायित्व हैं उसकी पूर्ति करने के लिए भी हमसे भी हमारा समाज उम्मीद करता है कि समाजवादी पार्टी आपको कितना टिकट दे रही है, आपको क्या हिस्सेदारी दे रही है। तो यह समाज इकट्ठा हुआ है यही सब चीज़ों को तय करने के लिए और हम अपनी पार्टी से भी मांग करेंगे कि हमारे समाज के लोगों को उचित भागीदारी दिया जाए आने वाले विधानसभा के 22 के चुनाव में।